सभी को नमस्ते और हम सबका स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम एक बार फिर से वही टॉपिक लेने वाले हैं जो हमने कुछ महीने पहले डिस्कस किया था, लेकिन कुछ नए अपडेट्स हैं उसमें हमारे लिए जिन पे आज हम बात करेंगे। जब हम डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं, स्पेशली जो हिस्ट्री में डिस्टॉर्शंस हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो बहुत बार उनको ये कह दिया जाता है कि ये तो कोई राइट विंग कॉन्स्पिरेसी है और उसमें कई बार हमारे ही लोगों का हाथ भी होता है जो बहुत लंबी चौड़ी बातें खींच के बोलना शुरू कर देते हैं कि जो विदेशी थे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, और उससे कभी कभी केस कमजोर पड़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल भी पहले से बना हुआ था, कुछ लोगों का मानना है कि जितनी भी स्ट्रक्चर्स आज हम देखते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं वो पहले से बने हुए थे, उन्हीं में से एक आता है कुतुब मीनार। अब नाम विदेशी है, कुतुब मीनार भारत की संस्कृति से मैच नहीं करता, तो किसने बनाया इस पर बहुत बार सोशल मीडिया पे डिस्कशन होती है। अब आज हमारे साथ जुड़ेंगे अभिषेक सिंह, जिन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी है कुतुब मीनार के ऊपर। तो उनका ऐसा मानना है कि जो कुतुब मीनार है वो मुसलमानों के आने से पहले बन गया था और उसके लिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्होंने इस बात को अपनी ओर से स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा कि होता है, एक एंट्रेंच्ड इकोसिस्टम है जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, और उस इकोसिस्टम की ट्राई ये रहती है कि इस तरह की किसी भी रिसर्च को, इस तरह की किसी भी क्लेम को डिसक्रेडिट किया जाए। तो आज हम अभिषेक जी से बात करके देखेंगे कि उनका जो क्लेम है वो कौन-कौन सी कसौटियों पर खरा उतरता है। तो पहले हम स्वागत करते हैं, नमस्ते अभिषेक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्ते सर। नमस्ते जी जी सर। जी अभिषेक जी, आपसे दर्शक एक बार पहले मिल चुके हैं, जी सर। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को आज ये शेयर करना चाहता हूँ कि अभिषेक जी की जो पुस्तक है उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। ये इनकी पुस्तक है जेनेसिस ऑफ टाइम, जी और सर। इसमें इन्होंने कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो साधारणतया लोग नहीं जानते हैं, और अभिषेक जी का मानना है कि इससे बहुत सारे जो झूठ फैलाए गए हैं वो टूटेंगे और हम कुतुब मीनार को एक नई दृष्टि में देख पाएंगे। जी सर। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपने जो बात कही है, जी आप एकेडेमिया का वैसा पार्ट नहीं है जिसे हम एक बोलते हैं ना कि फॉर्मल इकोसिस्टम होता है, कि आपने जी कोई हिस्ट्री में या आर्कियोलॉजी में पीएचडी नहीं किया हुआ और यस आप सर। उस डोमेन में एक क्लेम कर रहे हैं। तो इस क्लेम यस को सर। सबसे पहले तो यही बोल के डिसमिस कर दिया जाता है कि ये तो राइट विंग कॉन्स्पिरेसी है, कि इसमें यस सर। जब इतने बड़े बड़े इतिहासकार आज तक हुए हैं उसमें किसी का भी नाम दिया जा सकता है, कि वो कोई थापर हो सकता है, कोई हबीब हो सकता है, कि उन्होंने जो बात नहीं बोली वो एक कल का छोकरा आके बोलता है जिसका हिस्ट्री का डोमेन नहीं है। तो यस मैं ये सर। आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी पुस्तक लिखी थी ब्रेन वॉश रिपब्लिक, तो जी मेरे सामने भी ये चुनौती थी कि फिजिक्स वाला होते हुए मैं हिस्ट्री की डोमेन में जा रहा था, तो इसलिए जी मुझे उस पर बहुत सारा काम करना पड़ा। तो आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे देखते हैं? सर, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने इसकी रिसर्च चालू करी थी तो मैं तो लेके गया था, मुझे करना नहीं था इस पे रिसर्च। मुझे जो मिला था मैं वो फाइंडिंग्स लेके गया था उनके पास में कि सर आप हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी हैं, जो परसुइंग वालों के पास भी गया था और जो एएसआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पास भी गया था। तो वो लोगों ने ये कह के डिसमिस कर दिया कि तुम तो कंप्यूटर साइंस के बंदे हो, हिस्ट्री में तो पहले आ क्यों गए। उनका कहना ही ये था कि बेटा ऐसा मत करो, अपनी लाइफ खराब मत करो, जाओ किसी और चीज में काम करो, अपनी इंटर्नशिप इंटर्नशिप में ध्यान दो, ये रिसर्च को यहीं छोड़ दो। तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं बोला
चलिए ठीक है, मैं हिस्ट्री के ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा किसको बनाया, किसने आए, या मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनाएगा, या मतलब हिस्ट्री को मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं। मैंने वो कहा कि चलो ठीक है, मैं साइंस और कंप्यूटर के थ्रू ही इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में कुतुब मीनार बहुत पहले से बना हुआ था। तो अगर पहले से बना हुआ था फिर वो कुतुब मीनार नहीं हो सकता, फिर तो कुछ और रहा होगा। हाँ सर, वो कुतुब मीनार एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि उसका जो नाम है, जैसे हम लोग कभी देखते हैं ना किताब की जिल्द बदल दो तो अपनी किताब हो जाती है बचपन में हम जी। बहुत किए हैं। हाँ, ऊपर की नेम प्लेट चिपका दो, तो ये सेम वही हुआ है, ऊपर की लोग नेम प्लेट चिपका दिए हैं और उसको कुतुब मीनार बना दिए, जबकि एक्चुअल में ऐसा है कि जो इसकी लोकेशन है कुतुब मीनार की, वो कुतुब मीनार की लोकेशन इसलिए स्पेशल है, सबसे सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जब हम लोग कुतुब मीनार की बात करते हैं तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में। और जब आप कुतुबुद्दीन का शासनकाल देखोगे तो वो सिर्फ 4 साल का है, मॉडर्न टाइम में भी 4 साल में उतनी बड़ी मीनार को बनाना या फिर उसको डिजाइन करना कि इधर बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी नींव भी उसको करेंगे तो भी उतना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में भी उतना सिस्टमेटिक बनाना, क्योंकि जो दिल्ली है वो एक्चुअल में अर्थक्वेक एरिया में आता है, वहां पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है अगर कोई उतनी ऊंची बिल्डिंग बनाओगे बनाओगे तो अर्थक्वेक आके कहीं गिर ना जाए, उसके लिए अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी आएगा बाहर से और 4 साल के अंदर में ही वो इतनी सक्सेसफुल बिल्डिंग के निर्माण चालू कर देगा, उसको पहले जियोग्राफी का पूरा होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। और लाइफ में मैंने कहीं पे पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इसमें ये कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ओनली एक ही बार आया, वो ज्यादातर अपना जितना भी शासनकाल था उसका वो लाहौर से चलाता था, दिल्ली में उसका आना जाना इतना था नहीं, तो विक्ट्री टावर दिल्ली में बनाने का कोई मतलब नहीं होता। जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी की, वो हुई थी आपके थाने सा क्या बोलते हैं, तरावड़ी हरियाणा के तरावड़ पास। तरावड़ी हाँ, तो वो भी एरिया बहुत दूर है दिल्ली से, तो वहां से भी वहां पे भी विक्ट्री टावर बनाते तो एक बार के लिए समझ में आता कि यस इट्स अ एक्चुअल विक्ट्री टावर, वो दिल्ली में क्यों है इसका भी किसी के पास आज तक जवाब नहीं मिला। और फिर बोलते हैं कि ये लोग एक तरीके की मीनार है, मीनार मीन्स जो आपका टावर मॉस्क के ऊपर जो मीनारेट रहती है ना, जहां से चिल्लाते हैं अजान, जी। अजान चिल्लाने के लिए बनाई गई है। अब 800 साल पहले तो लाउड स्पीकर थे नहीं, ये तो सब जानते हैं, ठीक है, तो अगर उतने ऊपर से भी अगर एक आदमी चिल्लाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 90 डेसिबल तक चिल्ला सकता है, अगर बहुत ज्यादा उसमें ताकत है या फिर लंग्स उसके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो 90 डेसिबल से चिल्ला सकता है, मतलब 100 फीट से ज्यादा दूर आवाज जाएगी नहीं, वो डिस्पर्स हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ता है वो अपनी इंटेंसिटी लूज करते जाते हैं, इंटेंसिटी लूज करते जाएगा तो नीचे आते तक वो इतनी ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी कि उसको सुनाई ही नहीं देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि जब आप देखते हैं, मैंने इस बुक में अपना वो दिया हुआ है, एक जगह में रेफरेंस दिया हुआ है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, द दिल्ली सल्तनेट इन आवर पास्ट टू टेक्स्ट बुक हिस्ट्री ऑफ फॉर क्लास 7, उसके पेज नंबर 36 में लिखा हुआ है कि इस मीनार को अजान देने के लिए बनाया गया था, और दूसरा ये लिखा गया है कि कैसे इसमें नमाज का मतलब क्या होता है, मॉस्क का मतलब क्या होता है, मतलब ये सब फालतू बातें लिख लिख के हमारी हिस्ट्री बुक्स के पेजेस को भरा गया है, एक्चुअल में उसका कोई रीजन लिखा नहीं है। अब बच्चे जी। क्या करेंगे, क्या करेंगे अजान का मतलब जान के, बच्चे क्या करेंगे, अच्छा मतलब आप तो स्कूल एक में आप बात ट्राई कर बताओ। रहे हो उनको। जी सर, जी सर, पूछिए। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? हाइट उसकी है सर 230 फीट के करीब आसपास है सर, 232 फीट। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 23 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। अगर जी हम सर, एक आम बिल्डिंग से कंपैरिजन करें तो अगर जी ये सर, एक मोजिन के लिए मीनार बनाई गई थी तो वो जी मोजिन पहले 23 मंजिल की सीढ़ियां रोज चढ़ के ऊपर पहुंचेगा, फिर उसमें इतनी जान बची होगी कि वो वहां से बांग देगा और आसपास के लोग आएंगे। हाँ, जी तो इसका तो एक ही उत्तर हो सकता है कि अल्लाह ने उनको ताकत बख्श दी है, क्योंकि ये अल्लाह भी अजीब गॉड है, वो किसी भी तरह कहीं भी ताकत दे देता है। तो हाँ मुझे नहीं पता कोई मुअज्जिन कितनी तनख्वाह लेगा कि दिन में 5 बार वो 23 मंजिल चढ़ के, पैदल चढ़ के वहां पे जाके
बांग देने की कोशिश करेगा। खैर एनीवे इससे आगे चलते हैं। तो आप जब अपना केस प्रेजेंट करेंगे, तो आपने बोला कि जी आप कंप्यूटर यूज करेंगे, कंप्यूटर साइंस यूज करेंगे, जी और तो जी कैसे बताएंगे कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो गलत है? जी सर, सबसे पहला तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात आ जाती है कि उतना ऊपर से तो कोई आदमी चिल्लाएगा भी तो आवाज़ नहीं आएगी। अगर ऊपर पहुंच भी जाए वो बहुत बड़ी बात है, 5 बार अगर दिन में पहुंच भी रहे तो। उसके लिए मैं उनको उनके लिए खुद सैल्यूट करूंगा अगर पहुंच के ऊपर चिल्ला देते तो। पर मैं बट आपको एक बात बता दूं कि जी ये एक ना हमारे तो बहुत सारे भगवान देवी देवता हैं, एक लेकिन जी एक गॉड अल्लाह नाम का भी है अरेबिया का। जी वो क्या करता है, उसने जो नबी साहब थे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको 100 मर्दों की ताकत दे रखी थी। तो हाँ हाँ यहां लिखा भी हुआ है हाँ, तो यहां भी कोई ऐसा मौलाना हो सकता है जिसको इतनी ताकत बख्शी हो कि दिन में 5 बार 23 मंजिल, और 23 मंजिल तो शायद अब इसकी हाइट है, पहले तो 7 जी, ज्यादा हाइट पहले रही सात थी, थी तो जी। उतनी मंजिल चढ़ के रोज सुबह जाके वो बांग देता होगा। तो ये अल्लाह का ही करिश्मा हो सकता है। खैर एनीवे आप बढ़ाइए अपनी बात को आगे। जी जी सर, तो सर अब एक्चुअल में मैं एक चीज यूज करना चाहूंगा। अब सुदर्शन न्यूज में एक 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, उस शो का नाम था ऑपरेशन इतिहास। ऑपरेशन इतिहास में वो लोगों ने एक चीज बताई थी कि 1970 में केदारनाथ प्रभाकर ने जो कुतुब मीनार की शैडो बनती है उसका उन्होंने अध्ययन किया था कि शैडो कैसे कैसे बनती है, कहाँ कहाँ बनती है। तो जब 21 जून होता है, अगर मैं आप बोलोगे तो मैं उसको एज ए प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा सकता हूँ ताकि लोग अच्छे से समझ जाएं। तो मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, तो सर उन्होंने एक बुक लिखी थी वराहमिहिर स्मृति ग्रंथ, केदारनाथ प्रभाकर ने, उन्होंने 1970 में प्रकाशित करी थी। उन्होंने जब उसका शेडो को एनालाइज किया था कि इसके शेडो की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, तो उन्होंने एक चीज पाया था कि 21 जून जब दिन सबसे बड़ा होता है उस दिन कुतुब मीनार की शेडो नहीं बनती है। और ये तभी पॉसिबल है कि जब सूरज है अगर पृथ्वी से 90 डिग्री के एंगल में हो, मतलब जस्ट एकदम अबाउ द एकदम हेड, ऊपर हो, सर पे हो। एकदम जी ऊपर हो। अगर सर में होगा तभी हमारी शेडो नीचे बनेगी और एक तरीके का भ्रम क्रिएट करता है कि शेडो नहीं बनी। पर इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है सर, अगर हम लोग एज दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो उस चीज की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, जिसका हम एक्सियल टिल्ट बोलते हैं। अब वो ऐसी झुकी झुकी वो पूरा चक्कर लगाती है हमारे सन का। उसके कारण क्या होता है, जब वो नाइन जब नॉर्थ हेमिस्फेयर झुका हुआ रहता है और जब साउथ हेमिस्फेयर झुका हुआ रहता है, तो एक सर्टन पॉइंट में ही वो शेडो सॉरी वो सर्टन पॉइंट पे ही उसकी जो रेज है वो 90 डिग्री में पड़ेगी, और उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और वो समर सोल्स्टिस में टॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेगी जब सूरज एकदम टॉप पे रहेगा, क्योंकि वहां पे ही सूरज 90 डिग्री में पहुंचेगा। तो बाकी जगह में तो 90 डिग्री में पहुंचता नहीं है। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि सिर्फ टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सिर्फ दो ही जगह ऐसी है, इतनी ही जगह है जहां पे सूरज 90 डिग्री में आ सकता है। और आप बाहर में कितनी भी बना लो आप बिल्डिंगे, उनकी शेडो बनेगी ही, तो कुतुब मीनार की शेडो क्यों नहीं बनती है, इसका ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है। क्योंकि कुतुब मीनार एक्चुअल में 5 डिग्रीज ऊपर है, देखोगे तो अपने इंडिया के मैप से अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने इंडिया का मैप में दिखाते हैं ना, बीच में हमेशा बच्चों को एक लाइन दे देते हैं। तो इसको सर तभी पॉसिबल है अगर कुतुब मीनार को थोड़ा सा झुका के बनाया जाए। तो उसको 5 डिग्री उन्होंने झुका के बनाया, और वो भी एक साइड झुका के बनाया है, पूरा साइड नहीं, एक साइड उसका 90 डिग्री है पूरा, और जो एक साइड है वो हल्का सा 5.0 to 4.4 डिग्री एग्जैक्ट इतना ही झुका हुआ है, एकदम परफेक्ट। और मैं इसका आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ जो मैंने परचेज करी है, ये एक आई स्टॉक से मैंने इसको अभी परचेज भी कर लिया है। ये सर ये फोटो ली गई थी 2013 में, एक साउथ अफ्रीका को कोई बंदा है उसने फोटो ली थी, उसने वाइड एंगल कैमरे से फोटो ली है। उसमें सर ये साफ साफ दिखता है कि जो इसका एक साइड है वो सीधा है और एक साइड इसका 5 डिग्री झुका हुआ है जो आपका नॉर्दर्न साइड है। पर कुतुब मीनार का साइज इतना बड़ा है कि जब हम इसको पास से देखते तो हमको ये नजर ही नहीं आता, वो एक सर्टन एंगल में ही नजर आएगा।
तो इस कारण जो हम लोग को बच्चे लोग को जो हमको पढ़ाते हैं जितने भी मैप्स एप्स देते हैं उसमें सिर्फ टॉपिक ऑफ कैंसर को आप देखोगे तो हमेशा 20 से दिखाते हैं इंडिया के मैप पे, तभी हमको पॉलिटिकल, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए यही सारा यही मैप यूज होता है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो बीच से ही जाती है वो लाइन, और वही यही लाइन है एक्चुअल में टॉपिक ऑफ कैंसर, और यही पे आपका सूरज टॉप पे आ सकता है, बाकी जगह में नहीं आएगा। और दिल्ली का केस ऐसा रहता है थोड़ा कि जब समर में होता है तो सन थोड़ा सा 5 डिग्री इधर होता है और विंटर में थोड़ा सा ऐसा होता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर उसकी शेडो नहीं बन रही है दैट मीन्स वो लोगों ने बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करके उसको उस एंगल में झुकाया होगा तभी। और उन्होंने जो वरामिहिर स्मृति ग्रंथ जो जिन्होंने लिखा था, उन्होंने जब शेडो को एनालाइज किया था तो पूरे दिन का जब आप देखेंगे तो यहाँ पास इसके कारण क्या होता है, जब शेड जब समर सोल्स्टिस होता है तो उस दिन सूरज सबसे ऊपर में होता है तो शेडो नहीं बनती। इक्विनॉक्स जो कल का दिन है, कल के दिन में ऐसी शेडो बनती है फ्लिप्ड फ्लिप्ड जैसी, मतलब शेडो बहुत सुंदर बनती है उस दिन की, और विंटर सोल्स्टिस में सबसे लंबी शेडो बनती है। अरे जो कल आने वाला है मार्च में 20 मार्च और 21 मार्च को, उस दिन सबसे सुंदर शेडो बनेगी सर कुतुब मीनार की। अब वो सब सभी पॉसिबल है, किसी को ये पता हो कि पृथ्वी गोल है, अगर किसी को ये पता नहीं है कि पृथ्वी गोल है तो वो उसको बना ही नहीं सकता। ये ठीक, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा एक रीजन है। तो ये फिर कोई मुसलमान तो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको तो कुरान में सिखाया जाता है कि धरती चपटी होती है। हाँ सर वही, तो अगर आप जी मानोगे कि पृथ्वी गोल है तभी आप इस कैलकुलेशन को लगा सकते हो, अगर आप बोलोगे कि पृथ्वी गोल नहीं है तो फिर ये कैलकुलेशन ही पूरी बिगड़ जाती है वहां पास में। ठीक बात है। हाँ जी सर, और फिर सबसे फिर एक और क्वेश्चन उठ जाता है, अगर कोई हम लोगों ने अगर ये पॉइंट दे दिया कि चलो इसको जानबूझ के ऐसा बनाया गया समर सोल्स्टिस के लिए, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट उठ जाता है कि आप उतना फिर अगर चलो मान लीजिए हिंदू राजा बनाया है और बहुत पहले बनाया है और कोई मुस्लिम आक्रांता आया नहीं था उस समय तक और दिल्ली तक पहुंचा भी नहीं था, तो आपके पास बहुत बड़ा रीजन था कि आप इसको सीधा टॉपिक ऑफ कैंसर में बनाते, इतना वो क्यों करना, इतनी परेशानी क्यों उठानी कि टेढ़ा बनाओ इतना ऊंचा बनाओ और दिल्ली में बनाओ, जब आपके पास इतना बड़ा जगह है इंडिया में तो आप इसको डायरेक्ट टॉपिक ऑफ कैंसर में बना दो, सीधा बना दो तो आपकी शेडो तो वैसे ही बन जाएगी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, पर इसका भी बहुत बड़ा रीजन है दिल्ली में बनाने का, वो शायद मेरे को तो लगता है सर या तो ASI वाले इसको जानबूझ के छिपाए या फिर उनको सचमुच में कुछ नहीं आता। और सबसे बड़ा रीजन है सर कभी, क्योंकि हम लोगों ने मून को कभी वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जितना हम सन को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक्चुअली हम लोग मून को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। अगर हम मून का देखें, जैसे सूरज का टॉपिक ऑफ कैंसर उसका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जहां पे वो परपेंडिकुलर जाता है, तो मून का ऐसा कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जहां वो परपेंडिकुलर जाता है, एंड सरप्राइजिंगली इट्स दिल्ली। अच्छा हाँ, सिर्फ दिल्ली, इंडिया में दिल्ली एक ऐसा लैटिट्यूड है जहां पे चांद हर 27 डेज में परपेंडिकुलर जाता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है। अगर मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक एक और वीडियो दिखा के आपको इसको अच्छे समझा भी देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये रहा, देखिए अब ये नासा से ली गई एक इमेजरी है जिसमें दिखा रहा हूँ कि अब आप देख लीजिए कि 23.4 डिग्री में, नासा का कहना है कि हमारा जो पृथ्वी है वो एक्चुअल में 23.4 डिग्री झुका हुआ है, और जो लूनर मून इंक्लिनेशन है वो 5.14 डिग्रीज में है, दैट मीन्स उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल पाथ से 5 डिग्री थोड़ा सा झुका हुआ है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि 5 डिग्री झुका हुआ है और वैसे ही झुके झुके वो चक्कर लगाता है 27 डेज में, तो क्या होगा, 23.4 आप ले लो पृथ्वी का इंक्लिनेशन और 5.14 डिग्री आप ले लो इसका इंक्लिनेशन मून का, और जब हम दोनों को प्लस करते हैं, जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 28.54। अब 28.54 को अगर आप गूगल मैप्स पे डालोगे तो वो एग्जैक्टली वही लैटिट्यूड है जिस लैटिट्यूड में कुतुब मीनार खड़ा हुआ है। एकदम इतना ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, जैसे हम मून कैलकुलेटर करके एक वेबसाइट है
mooncalc.org, जब हम उसको ओपन करते हैं, अगर हम वहाँ पे एग्जैक्ट कुतुब मीनार का लैटिट्यूड डालें, कुतुब मीनार का लैटिट्यूड हो गया है 28.524 और 77.1855 डिग्रीज, तो एग्जैक्टली हमको कुतुब मीनार के ऊपर वो लैंड करता है। और आप जब भी देखोगे कि आप कितना भी डेट को सेट कर लो, 2 तारीख सेट कर लो, चांद आएगा आपका सीधा ऊपर, ठीक है, ये आगे आपका कुतुब मीनार के जस्ट ऊपर में आ गए ये चांद। और फिर आप एक एक तारीख को और कर लो, 1 तारीख में भी देख लो, वो भी जस्ट ऊपर आएगा उस दिन। और फिर आप पूरा 27 दिन का आप चेक कर लो, कुतुब मीनार उससे नीचे जाता है, कुतुब मीनार से चांद नीचे जाता है हमेशा, कभी ऊपर नहीं जाता। आप डायरेक्ट 27th डे में अगर हम लोग जंप करेंगे तो फिर से कुतुब मीनार के ऊपर आ जाता है। देखिए ऐसा, मतलब जो दिल्ली का लैटिट्यूड है वो एक्चुअल में सब लूनर लैटिट्यूड है, जैसे सब सोलर लैटिट्यूड होता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो दिल्ली का लैटिट्यूड है वो एक्चुअल में सब लूनर लैटिट्यूड है। जी सर, तो ये तो जो जब हम कुतुब मीनार विजिट करते हैं तो वहां पे उन्होंने एक प्लाक लिख के लगा रखी है कि जो मस्जिद बनाई गई थी वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। जी सर, अब ये 27 का सिग्निफिकेंस जो मुझे समझ में आया था कि जी 27 नक्षत्र हैं, और जी सर, जो चंद्रमा, जो कहानी आपने सुनी, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है कि चंद्रमा की 27 बीवियां पत्नियां हैं और वो हर हाँ, पत्नी के दक्ष की पास पुत्री, जाता। हाँ, तो हाँ वो कहानियों में इस चीज को ऐसे गढ़ा गया, लोग बोलते हैं कि ये तो क्या चंद्रमा की पत्नियां हो ही नहीं सकती, तो वो जो जी 27 नक्षत्र हैं उनको उन्होंने इस तरह से स्टोरी में एक तरह से कोडिंग करके डाल दिया है, तो उससे कुछ इसका लिंक है क्या? यस सर, उससे कुछ इसका लिंक ऐसे होता है, क्योंकि जो हमारा चांद है वो 27 टाइम्स 27 डेज में वो पूरा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जो हमारे बैकग्राउंड स्टार्स होते हैं, जो इलिप्टिकल पाथ में ऐसे बैकग्राउंड स्टार्स ऐसे गोल तरीके से फैले हुए हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो सेम जगह में ही रहते हैं, क्योंकि वो साथ साथ गैलेक्सी के साथ साथ मूव कर रहे हैं। और चांद ऐसा है कि वो 27 डेज में पूरा परिक्रमा लगा देता है, डेट मीन्स वो 27 डेज में पूरा इलिप्टिकल पाथ घूम के आ जाता है। तो हर एक दिन के लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टेलेशन बनाया, और हर एक दिन में जब चांद उस डायरेक्शन में रहता है, जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार रहता है, उसको उन्होंने नाम दे दिया एक नक्षत्र का। अब नक्षत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, नक मीन्स होता है, नक मीन्स होता है तारा, और क्षेत्र मीन्स होता है एज अ सेक्टर, ठीक है। तो उस सेक्टर का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार को उन्होंने एक नक्षत्र का नाम दे दिया। तो जब जब चांद ऐसा पूरा इलेप्टिकल पाथ से घूम के आ जाता है, तो वो 27 डेज में आते हैं, डेट मीन्स वो 21 दिन में यहाँ रहेगा, फिर दूसरे दिन यहाँ रहेगा, तीसरे दिन इस तारे के पास रहेगा, चौथे दिन इस तारे के पास रहेगा। तो उस तारे को उन्होंने नाम दे दिया नक्षत्र। तो वही है, तो इन लोगों ने ऐसी इतना बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन किया स्टोरी में कि चांद हर दिन अलग अलग अपनी वाइफ के पास जाता है 27 डेज में। तो इतने अच्छे से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और उसका रीजन क्या है, जब आपने सुना होगा ना कि कुतुब मीनार में 27 खिड़कियां हैं, बट एक्चुअल में वो दिखती नहीं है। हाँ, तो जब मैं दिल्ली गया था तो आपसे एक बार बात हुई थी कि मुझे ASI के किसी से मिलने जाना है, परमिशन जानी कि उसके कुतुब मीनार के अंदर जाना है, वो 27 खिड़कियों को देखने। तो एक्चुअल में मुझे परमिशन नहीं मिली थी, आप भी जानते हो, तो हम निराश होकर वहां से चले गए थे। तो वहां पे मुझे किसी ने बताया कि मेक्सिको की एक यूनिवर्सिटी है, 2018 में उनको अंदर जाने दिया गया था, वो अंदर गए थे, अंदर से उन्होंने वो खिड़कियों की फोटो भी ली है, और उसकी स्ट्रक्चर को उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में दिखाया भी है एक्चुअल में कहाँ पे। तो मैंने उनको ईमेल करके उनसे मैंने परमिशन ले ली कि क्या मैं आपका रिसर्च पेपर यूज कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे मेरी रिसर्च के लिए यूज करना है। तो उन्होंने मुझे रिटर्न परमिशन दे दी, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ क्या क्या लिखा है वो भी दिखा देता हूँ। दिखाइए। जी जी सर, ये रहा पेपर। हाँ पेपर 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 जी सर, 1 मिनट, आई थिंक वो पेपर में से लॉस्ट हो गया है। ढूंढ नहीं लीजिए। नहीं वो है, नहीं है मेरे पास है।
मैं उसको ऐसे नहीं घूमने दूंगा, बहुत मुश्किल से जी मिला है वो मुझे, और उसकी रिटर्न परमिशन है, तो मैं तो उसको अगर घूम गया तो फिर मेरे ही बच जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वेरियस डॉक्यूमेंट्स। हाँ सर, ये रहा एक स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन टेक्निक हुई थी कुतुब मीनार के ऊपर, जिसको पाब्लो बी लॉरेंस लॉरेंको ने किया था, ये मेक्सिको के यूनिवर्सिटी वाले। अब इन्होंने सर ये कुतुब मीनार का उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डेफिनेशन दिया था, और सर उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा कि यहाँ पे 27 द कोर एक्सटर्नल सेल इज कनेक्टेड बाय हेलिकल स्टेयरवेज बाय 27 ब्रेसिंग्स। इनको पता नहीं है वो एक्चुअल में क्या है वहां पे, बट इन्होंने बोला कि हाँ चलो 27 ब्रेसिंग्स टाइप के एक छोटी सी वो लोग बनाए हुए हैं, जिसको टेपर्ड विंडोज बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे डी पे दिख रहा है ना टेपर्ड विंडोज। ये सारे फोटो का आप अच्छे से देखिए, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। ये देखिए, ये एक्चुअल में विंडोज है अंदर से कुतुब मीनार की, और जब हम लोग देखते हैं इसको, इसको वो एनालाइज करते हैं, तो हमको एक चीज पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी के ऊपर जाते हैं, जैसे ये पूरा एक घुमावदार सीढ़ी दिख रही है हमको कुतुब मीनार के अंदर, हम यहाँ से एंट्री करके अब यहाँ पे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे हम 13th के पास पहुंचते हैं तो हमको एक खिड़की दिखती है, एक खिड़की बाहर देखने के लिए। फिर हम ऊपर धीरे धीरे चलते रहते हैं, फिर 13 खिड़की के बाद फिर एक खिड़की दिखती है, और फिर हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ जाते हैं तो 13 गेट के बाद एक और खिड़की दिखती है। अब सर इसको ये 13 में रखना एक्चुअल में क्या क्या है, एक तरीके का हिंट है हमारे लिए कि जब आप 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, जब आप उससे डिवाइड करते हैं 13.33 को, 13.33 को, तो हमारे पास आंसर आता है 27। दैट मीन्स उनको पता था कि आपको 13 डिग्री का हम एक गैप छोड़ना है, ताकि ये सारी जो खिड़कियां हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। इसीलिए जो भी हम लोग कुतुब मीनार को जब बाहर से देखते हैं, दैट्स वाई हमको उसमें एक भी खिड़कियां नहीं दिखती, क्योंकि वो छोटी छोटी खिड़कियां ऐसी खुली हुई है, जैसे ये छोटा सा एक दिख रहा है, ये ऐसी खिड़की है, ये हमको बाहर से ऐसी दिखती है, ताकि कुतुब मीनार का जो एक्चुअल में जो डिजाइन है उसको खराब ना करे करके उन्होंने अंदर से दिया इसकी खिड़कियों का डिजाइन। और वो आप खिड़कियों को जब ध्यान से देखेंगे कुतुब मीनार में, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, क्या तुम 27 खिड़की बात कर रहे हो, वहां पे तो एक खिड़की नहीं दिखती हमको बाहर से। सबसे बड़ा रीजन तो ये रहता है कि भैया अंदर से है, क्योंकि खिड़की बाहर से नहीं है। और जब आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये खिड़की है, आप पूरा ऊपर सीधा लाइन खींच दो, एक भी खिड़की उसके लाइन में नहीं है, फिर आप ये खिड़की ले लो, आप इसे सीधी लाइन खींचो, कोई भी खिड़की उसके लाइन में नहीं है, तीसरी खिड़की यहाँ पे, चौथी खिड़की यहाँ पे, और सब अलग अलग डायरेक्शन पे पॉइंट आउट कर रही है। तो इतना ज्यादा इसमें आर्किटेक्चर में यूज किया गया है इसको। जी अब डिस्कनेक्ट हो ओके गया जी सर। तो ये है 27 खिड़कियों की मिस्ट्री, कि एक्चुअल में 27 खिड़की कहाँ है, वो अंदर से है, और वो सारी सारी पूरी सर्कुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है एक स्पेसिफिक नक्षत्र को। जब आप जाते हैं कुतुब मीनार के अंदर, उस जगह में जाते हैं, और उस जगह से अगर आप दूरबीन रख के देखते हैं तो आपको पर्टिकुलर नक्षत्र दिखता है, और आपको ये पता चल जाता है अगर चांद उस नक्षत्र पे है तो आपको उस समय दिख जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअल में कि पृथ्वी के कौन से डायरेक्शन में आपका चांद अभी विचरण कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जी केवल जो सोलर पोजीशंस हैं वो बताने के लिए नहीं है, केवल सोलिस्टाइसेस और इक्विनॉक्सेस के बारे में नहीं है, ये लूनर कैलकुलेशंस जी के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है, तो दोनों का जी सर समन्वय है इसके अंदर। जी सर, इसमें दोनों का समन्वय है, और इसीलिए यही सबसे बड़ा रीजन है इसको दिल्ली में बनाने का, क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसा लैटिट्यूड है जहां पे चांद 90 डिग्री ऊपर आ सकता है, तो वो एक परफेक्ट प्लेस बन जाती है कैलकुलेशंस के लिए। जिस तरीके से विदिशा है, विदिशा हम जानते हैं वो एक्चुअल में टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, अब वो परफेक्ट प्लेस है सोलर का जो मोशन है, मतलब सन का जो मोशन है अराउंड अर्थ, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो सबसे बेस्ट प्लेस है। तो उस प्लेस को ये लोग मून मून्स का अगर सबसे बेस्ट प्लेस बोलेंगे तो वो दिल्ली है। अच्छा, तो हाँ विदिशा में अगर ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी तो जी उस वो होगी सोलर ऑब्जर्वेटरी। यस सर। ओके, तो विदिशा का इससे क्या लिंक है? देखिए सर, विदिशा का सबसे बड़ा लिंक ये है कि जो बोलते हैं आयरन पिलर है उसका, वो विदिशा से लेके गया हुआ था,
अब सर मैं बहुत ही एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। ये लोग इतना गंदा लिखे हैं हिस्ट्री को, इन्होंने ये कहा कि इल्तुतमिश लेके गया था वहां पे वो आयरन पिलर को, जबकि हमारे पास सारे एविडेंस है कि इल्तुतमिश लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो आयरन पिलर सबसे ज्यादा पुरानी चीज है एक तो उस कॉम्प्लेक्स की, और कॉम्प्लेक्स की सबसे ज्यादा पुरानी चीज वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक मैन मेड मटेरियल है। जो कंपाउंड इसमें है जिसको मिसावाइट बोलते हैं, वो नेचुरली अकर नहीं होता, उसको आप केमिस्ट्री के थ्रू उसको आप मिला के ही बनाओगे, तभी वो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो सिर्फ उसी की ही कार्बन डेटिंग हो सकती है। अगर हम बोलेंगे कि कुतुब मीनार की कार्बन डेटिंग करें, तो वो तो एक्चुअल में सैंड स्टोन है, वो तब से है जब से पृथ्वी है, तो आप उसकी कार्बन डेटिंग कर नहीं सकते। तो सिर्फ आयरन पिलर ही एक ऐसी चीज है जिसका आप कार्बन डेटिंग कर सकते हो। अब वो कुतुब मीनार से 1600 साल और पहले का उसका कार्बन डेटिंग आता है, उसके रिजल्ट जो आती है, जो C14 आइसोटॉप्स के जो रिजल्ट आते हैं, वो 1600 साल और पुराने हैं। अगर इतना कुतुब मीनार की एज अभी कहा जाता है हमको, हमको जो पढ़ाया जाता है, तो ये अब आप एज्यूम कीजिए कि जो पिलर है वो पिलर वहां पे क्यों है। वो पिलर को उन्होंने विदिशा से लेके इसलिए आया क्योंकि विदिशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उन्होंने सारी कैलकुलेशंस कर ली, सूरज के अकॉर्डिंग से उन्होंने सारी कैलकुलेशंस कर ली कि यहाँ पे कितना कितना पॉइंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से उन्होंने सारी कैलकुलेशंस कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, उस पिलर को उन्होंने काटा और लेके गए सब लूनर पॉइंट में, जो हमारा दिल्ली है, वहां पे जाके उन्होंने उस पिलर को रखा, उससे कैलकुलेशंस करी, और फिर टाइम्स टेन करके उन्होंने सेम टू सेम ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में बनाई। इसीलिए जो कुतुब मीनार की हाइट है वो 72 मीटर्स की है, और जो उसकी हाइट है आपकी आयरन पिलर की वो 7.1 मीटर्स है। एग्जैक्टली 1/10 का रेशियो है। नहीं, 1/ अच्छा ठीक है, तो उससे 10 टाइम्स बन जाता है। उससे 10 टाइम्स बड़ा बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, सारी कैलकुलेशंस उन्होंने विदिशा में करी, फिर वो सारी कैलकुलेशंस को उठा के वो लोग दिल्ली आए। अब दिल्ली में ऑब्जर्वेटरी बनाना है, इससे 10 गुना बड़ी बनाओ ताकि हम, और इसको थोड़ा झुका के बनाओ ताकि हम वो भी कर सके, सोलर कैलकुलेशंस भी कर सके और लूनर कैलकुलेशंस भी कर सके। तो एक तरीके का जो कुतुब मीनार है वो सन टावर भी नहीं, एक लूनर टावर भी है, एक लूनी सोलर टावर हम बोल सकते हैं। जी सर, जी, वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर। और इसमें कुछ आप बताना चाहें, जोड़ना चाहें तो? और सर एक फिर अभी हम लोग 7 मंजिलों की बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, और मैं पिछले वीडियो में जब बोला था तो मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि फुट, आप फुट यूज कर रहे हैं, वो तो मेट्रिक यूनिट है, उसको क्यों यूज कर रहे हैं आप, वो तो अंग्रेजों ने दिया है, आप हिंदुस्तानियों ने तो बनाया नहीं फीट को। ठीक। तो मेरे मेरे को ये सवाल आया, फिर मैं एक बार फिर से आपको कैलकुलेशंस अच्छे से दिखा देता हूँ। जब सोलर सूरज का जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री ऊपर जाता है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर में, और फिर वो जाता है 62 डिग्री जाता है इक्विनॉक्स में, एंड 34 डिग्री जाता है विंटर सोल्स्टिस में, जो उसका इंक्लिनेशन पॉइंट है। अब उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं कुतुब मीनार की शेडोज में, तो शेडोज की हाइट कितनी होनी चाहिए, कुतुब मीनार की हाइट क्या है, तो हमको एग्जैक्ट 108 मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जी किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये रहा, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप जितने भी हिंदू आर्किटेक्चर को देखते हैं, तो हम ज्यादातर मंदिर बनाते हैं वो ज्यादातर सबके सब होते हैं हॉरिजॉन्टल। अभी हमको एक भी ऐसा मंदिर नहीं मिला जो वर्टिकल कुतुब मीनार जितना ऊंचा हो। तो हम जितने भी मंदिर बनाते हैं वो तरह का वास्तु का बनाते हैं, और वास्तु में होता है हमारा, हमारे रेशियोज में बनाते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो की बात करते हैं। तो पूरे ह्यूमन बॉडी का रेशियो भी होता है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक तरीके के रेशियो में है। जैसे हम लोग देखते हैं अभी बलि पीठम हो गया हमारा, ध्वज स्तंभ हो गया, गोपुरम हो गया, विमान हो गया, उसकी जो स्पेस रहती है एग्जैक्टली जो हमारे ह्यूमन बॉडी की प्रोपोर्शंस के साथ मैच करती है, और इस प्रोपोर्शंस को हम लोग बोलते हैं 1.612, जो इसका प्रोपोर्शन आता है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो। और वो गोल्डन रेशियो होता है एक्चुअली में 1.61803,
जिसको हम लोग एक ग्राफ के, एक स्पाइरल के ग्राफ की तरह हम लोग दिखाते हैं मैथ की भाषा में अगर देखा जाए तो। और ये जो ग्राफ है वो आपको यूनिवर्स की हर एक चीज में मिलता है, बड़ी से बड़ी चीज में मिलता है, छोटी से छोटी चीज में मिलता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो इसी स्पाइरल वे के थ्रू ट्रेवल करती है। जैसे अब हम लोग, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, हरिकेन्स हो गए, शेल्स हो गए, जो हमारे सेल डिवीजन हो गया जो आपका वो होता है, और फिर आपका जो वर्लपूल गैलेक्सीज होती है, जो हमारा कान होता है, वो सब इसी डायरेक्शन में आता है, जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो में बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी इसी फॉर्म में जाती है। तो अब कुतुब मीनार में इसको कैसे अप्लाई किया उन्होंने? अब कुतुब मीनार में गोल्डन रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्पायरल तो बना नहीं सकते आप कोई भी चीज को। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, फिबोनाकी सीरीज, फिबोनाकी नंबर्स का यूज किया। फिबोनाकी नंबर्स में देखते तो 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, और हम लोग मान के चलते हैं कि हमारी दो मंजिल टूट गई है, मान के चलते हैं, और हमारे पास सिर्फ 5 मंजिल है। तो हम लोग 13x, 8x, 5x, 3x और 2x की वैल्यू लेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे ही इस वैल्यू को हम लोग लेते हैं, तो हम उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, की वैल्यू जैसे ही हम निकालते हैं, जो अभी करंट कुतुब मीनार की हाइट है उस हिसाब से 237.8 फीट है, और इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 13x, 8x, 5x, 3x और 2x के थ्रू। तो हमारे पास आंसर आता है 7.6 करीब कुछ हमारे पास आंसर आता है। हाँ, ये आ गया आंसर हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आता है 7.670। तो हम मान के चलते कि ऊपर की दो मंजिल का हाइट होगा 7.670। जब हम इसको प्लस करते हैं रिमेनिंग हाइट के साथ, तो हमारे पास ओरिजिनल हाइट आ जाती है 253.11 फीट। ये हमारे पास ओरिजिनल हाइट आ जाती है। अब हम लोग मानते हैं कि चलिए इक्विनॉक्स के दिन हमारी कितनी होगी, जो हमारा सोलर सोलर एल्टीट्यूड है वो कितना होगा इक्विनॉक्स के दिन? तो वो 62 डिग्रीज के करीब होता है, 62 या 69, 62 डिग्रीज, 62.69 डिग्रीज। जब हम उसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं, मान ये हमने ले लिया 62.695 सोलर एल्टीट्यूड, और ये हमने ओरिजिनल हाइट ले ली कुतुब मीनार की 253.11 फीट। तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 108। और 108 क्या है? एक हिंदू नंबर है एक्चुअल में। और फिर मान के चलते, चलो एक कोइंसिडेंट है, मान के चले कि चलो इक्विनॉक्स के दिन 108 फीट की शेडो बन रही है। अब हम समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस का लेते हैं। समर सोल्स्टिस में तो चलो बनेगी ही नहीं उसकी शेडो, क्योंकि वो तो झुका हुआ है। विंटर सोल्स्टिस का लेके चलते हैं। विंटर सोल्स्टिस में 38.048 डिग्रीज का सोलर एल्टीट्यूड होता है। अब उसमें एग्जैक्ट 300 फीट की बनती है शेडो कुतुब मीनार की। तो इससे तो ये भी साबित हो जाता है ना कि जो आर्किटेक्चर है उनको फीट्स के बारे में तो पूरी जानकारी थी, क्योंकि जो वो यूनिट यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में फीट है जो वो यूनिट यूज कर रहे हैं। तो इससे ये एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि फीट जो अप्लाई हुआ वो 1824 में उन्होंने अप्लाई किया अपने ब्रिटिश मेजरिंग यूनिट में, जो उनका मेट्रिक जो सिस्टम है। जो फुट पाउंड सिस्टम कहा जाता है, हाँ, जो फुट पाउंड पाउंड सिस्टम सेकंड, का जैसे मेट्रिक सिस्टम, FPS सिस्टम कहते हैं जैसे। हाँ, FPS सिस्टम। तो उन्होंने 1824 को उसने उन्होंने अप्लाई किया, बट ये जो मीनार बनी हुई है ये तो उससे 1000 साल पहले बनी हुई है। अगर हम अभी का भी सोर्स को मान के चलते कि चलो मान के चलते कि मुसलमानों ने ही बनाया है, तो भी उन्होंने फिट तो यूज किया नहीं होगा। अब किसी को टाइम ट्रेवल करके बुलाए नहीं होंगे कि भाई आप आओ नाप के बना दो करके। तो इससे तो ये भी, इससे तो ये भी प्रूव होता है कि जो उन्होंने फीट का जो उनका मतलब जो साइज है वो एक्चुअल में उन्होंने इंडिया से चोरी किया है, और उसको बस नाम दे दिया फीट में, यहां से उन्होंने चोरी करके लेके गए। तो दूसरी फिर बात बताइए, आपने फिबोनाची नंबर का रेफरेंस दिया। जी फिबोनाची तो जी अभी बहुत बहुत रीसेंट टर्म है। 16th सेंचुरी, यस सर। जी, तो उसे उन्होंने तब कैसे यूज कर लिया? वही, अब उसके बताता हूँ। जो हमारे पास एक छंद शास्त्र की बात करते हैं हम, जो पिंगलाचार्य ने लिखा है, पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र लिखा है। छंद शास्त्रों में उन्होंने प्रेसोडीज, उसके लिए पोएटिक प्रेसोडीज बोलते हैं,
उनका उन्होंने गुरु लघु के उसमें यूज किया है, मतलब जो जो अलंकार लगाते हैं ना लास्ट लास्ट में, जितने भी हमारे जैसे महिषासुर मर्दानी का जो शिवतांडव स्त्रोतम है, जितने भी हमारे मंत्र उच्चारण है, तो भवानी अष्टकम करके एक मंत्र होता है जिसको किसने लिखा था, आदि शंकराचार्य जी ने, भवानी अष्टकम। तो उन्होंने भवानी अष्टकम से वो जो यूनिट है उसको उन्होंने डिराइव करके निकाला है अपने छंद शास्त्र में, और उसको उन्होंने कंपोज किया था 200 BC में। अच्छा, हाँ तो या तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिबोनाची ने यहाँ से चोरी करके बनाया, क्योंकि सीके जी राजू सर, इस बात को कहते हैं, या जी दूसरा सर, ये हो सकता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पीछे गए होंगे, उन्होंने पिंगल आचार्य को बताया और फिर वहां जी से चल पड़ा। जी सर। तो सीके राजू सर से भी बात हुई थी, तो उनका भी कहना है कि वो लोगों ने लेके गया था, बट हम लोग इसलिए प्रूव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जितने भी डेरिवेशंस है वो मंत्रों के उच्चारण के फॉर्म में है। मतलब हम इतने ज्यादा एडवांस थे कि मैथ्स में तो छोड़ो, हम लोग मंत्रों के उच्चारण में पोइट्रीज में मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे, और वो भी आदि जी शंकराचार्य जी जो बना के गए हैं, जो अभी के बोलते हैं रिसेंट जो शंकराचार्य जो सबसे पहले शंकराचार्य जी थे पुरी के, वो बना के गए थे, वो बना के गए थे 512 BCE में, बिफोर कॉमन एरा। तो आप ये देखो कि जो हमारा मैथ्स का बेसिस है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था, कि हम आर्किटेक्चर में ही नहीं, उसको हम अपनी लाइफ स्टाइल में भी यूज कर रहे हैं। जी जी, तो जो फिबोनाची सीरीज है वो बहुत ज्यादा पुराना है, और ये बुक में मैंने उसको लिखा भी है एक जगह में, जो कुतुब मीनार का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर था वो सात ही क्यों है, जैसे कि मैं पर दिखाना चाहूंगा, ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये जी ऐसा जी, थोड़ा सा वो हो गया, तो अब देख रहा ये है। फॉर्मूला उन्होंने, ये सबसे पहला डिजाइन था कुतुब मीनार का एक्चुअली, इसको सेवन के फॉर्म में बनाना था। और एक्चुअल में सेवन क्यों होता है सर, मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारा हमारे इंडिया में दो कैलेंडर्स चलते हैं, आप जानते होंगे, एक लूनर कैलेंडर है और एक सोलर कैलेंडर है। लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ मून, एंड सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ सन। तो जो लूनर कैलेंडर होता है, जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं विक्रम संवत को, और जितने भी नीचे हैं वो सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जैसे आपका हो गया ओडिशा, हो गया वेस्ट बंगाल, हो गया तमिलनाडु, हो गया, वो आज भी सोलर कैलेंडर यूज कर रहे हैं। जी सर, तो जी सोलर कैलेंडर को जब आप स्टडी करोगे तो आप उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि वो सेम टू सेम जूलियन कैलेंडर ही है, 4 साल बाद उसमें भी एक दिन बढ़ता है, चैत्र और फाल्गुन के महीने में एक दिन वो लोग बढ़ाते हैं, और सेम टू सेम वही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है जो जूलियन कैलेंडर फॉलो कर रहा है। तो उससे एक प्रॉब्लम आती है कि 11 मिनट्स का गैप आ जाता है, जो हमारी पृथ्वी जो चक्कर लगा के आती है, और जब हम उसको 365 डेज में डिवाइड कर देते हैं और 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हमारे पास 11 मिनट्स का गैप आ जाता है। अब वो 11 मिनट्स के गैप को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैच अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अगर पैच अप्लाई नहीं करेंगे तो 128 साल बाद एक दिन पूरा एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे कैलेंडर में, एक दिन कैलेंडर ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो 128 साल का पैच को अप्लाई करने के लिए उन्होंने जो सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे कैलेंडर का, उसको उन्होंने सेवन का वो बना दिया, सेवन का सेट बना दिया। सेवन का सेट क्यों बनाया, क्योंकि आप जब टू से इंटू करते हो, टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन टाइम्स करते हैं, तो टू का पावर सेवन कितना होता है, 128। जी, अब 128 को जब हम लोग टू टू द पावर सेवन के फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बाइनरी डिजिट्स में लिखना, क्योंकि वो फिर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ऐसा बढ़ता जाता है ना, 10000 करके बढ़ता जाता है। जैसे 7 डिजिट 7 0 आते हैं लाइन में, तो हमको ये पता चल जाता है कि 128 हो गया। जी ठीक है, तो ये जी पैच को अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कैलेंडर का सबसे छोटा यूनिट था वीक्स को उन्होंने 7 डेज में डिवाइड कर दिया। और जब ये एक बहुत ही अच्छा एक वो आता है,
त्योहार जिसको पणा संक्रांति बोलते हैं उड़ीसा में, वो अभी आने वाला है, 14 फरवरी को आएगा। पणा संक्रांति को मेरू संक्रांति भी बोलते हैं, और एक्चुअल में मेरू मतलब होता है, मेरू स्पर्धा मतलब होता है फिबोनैकी, फिबोनैकी सीरीज। उस सीरीज को ओके बोलते हैं मेरू स्पर्धा, और मेरू संक्रांति वो लोग बनाते हैं। दैट मीन्स मेरू संक्रांति इज एक्चुअली अ कैलेंडर ड्रिफ्टिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए ये त्योहार बनाया जाता है। मतलब हर 128 साल बाद अगर सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर एक साथ एक दिन के लिए ड्रिफ्ट हो जाता है, तो ओडिया लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई ड्रिफ्ट हो गया है, तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा अपने कैलेंडर से, तो आपका कैलेंडर परफेक्टली सिंक हो जाता है। और वो परफेक्टली सिंक कैलेंडर 60,000 साल बाद एक दिन ड्रिफ्ट होता है, जो अभी के कैलेंडर से 20 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है। जी, जी, तो ये था मेरू संक्रांति मनाया जाता है। तो ये है हमारे देश का विज्ञान और हमारे देश की संस्कृति, जिसे नष्ट करने के लिए वो तुले हुए हैं जो टाइम ट्रेवल करके आज भी खच्चरों की सवारी करना चाहते हैं। जी सर, जी जी बहुत इसीलिए इंटरेस्टिंग। हमको सर ये पढ़ाया नहीं जाता हमारे स्कूल में। मैं तो ये बोलना भी चाहूंगा कि जब ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमको, जब हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जब मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा था कई लोगों से, तो उन्होंने भी ये बताया कि जब हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है, जैसे कि दिन साल को 12 महीनों में क्यों डिवाइड किया गया, हफ्तों को 7 दिनों में क्यों डिवाइड किया गया, तो हम लोग हर चीज का जो भी गार्बेज रहता है, अगर हमको आंसर नहीं पता, तो हम लोग बोलते हैं ये इजिप्शियन करके गए थे, क्योंकि वो तो मर गए, उनका तो कोई वकील बैठा ही नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए, तो ये इजिप्शियन करके गए थे, बेबीलोनियन करके गए थे, मायंस करके गए थे, और जो जिंदा है उनसे कोई पूछ नहीं रहा है। हमको भी तो थोड़ा मौका दो बताने का, हमको भी जस्टिफाई करने का मौका। नहीं नहीं वो करके चले गए, तुमको कुछ करना ही नहीं है, आप बोले ही मत, तो सवाल को उठा ही मत, ऐसा हो गया। जब आप कुतुब मीनार को स्टडी करोगे तो आपको एक एक चीज पता चल जाएगा कि दिन 24 आवर्स में डिवाइड क्यों है, आपका वीक 7 डेज में डिवाइड क्यों है, आपके डेज डेज जो है 60 मिनट्स में ही क्यों डिवाइड है आपका एक आवर, आपको मतलब कैलेंडर के बेसिक बेसिक चीज सबका सब इसमें कुतुब मीनार के स्ट्रक्चर में नोटेड है। एक एक इंच इसका मतलब ये भी प्रूव हो जाता है, जो ये लोग कहानी बनाते हैं ना कि 3 मंजिला ये बनाया, फिर ऊपर की 2 मंजिला क्या तुगलक बनाया। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 मंजिला बनाए नहीं, ये लोग ऊपर की 7 7 थी, 2 तोड़े जरूर है। क्योंकि अगर कोई बनाएगा इतना परफेक्ट तो वो बना नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, अगर बनाएगा भी तो नींव कितनी नीचे खोद है उसको पता कैसे चल गया कि इतना ही ऊंचा बनाना है, क्योंकि 1/3 तो आपको नींव नीचे रखनी पड़ेगी ना, वरना तो भूकंप आएगा और कुतुब मीनार गिर जाएगा। जी नहीं, इसका इसका एक बड़ा सुंदर उत्तर होता है उनके पास, ये कुरान में भी है, आपने पढ़ी अच्छा, नहीं इसलिए अच्छा, मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जब आपके चैनल के माध्यम से पढ़ लेता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, तो कोई नए दर्शक होंगे उन्हें बता सकते हैं हम कि जब हुजूर नबी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब बोलते थे कि मुर्दे उठ के खड़े होंगे, जी, तो मक्का वाले उनका मजाक उड़ाते थे कि हड्डी गल गई है, हमने लाश डाली थी वो गल गई, अब अल्लाह कैसे खड़ा करेगा, तो बोलते थे अल्लाह कारसाज है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हर चीज का आंसर यही है कि अल्लाह कारसाज है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ऐसा संभव है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था लूटपाट मचाने के लिए जी, तो उसे अल्लाह ने बताया होगा कि तू यहाँ पर एक बिल्डिंग बना सकता 7 माले की, और तुझे फिर यहाँ सैकड़ों वर्षों तक याद रखा जाएगा। आप ऐसी बात को क्यों नहीं मानते, ये भी मान लेना चाहिए। जी जी उसके लिए थोड़ा सा नीचे से ट्रिमिंग कराना पड़ेगा मानने के लिए। हाँ वो फिर आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, तो इसलिए उसे रहने देते हैं अभी। जी और भी कुछ इसमें आप शेयर करना चाहते हैं, प्रश्न लूं, कुछ लोगों के हैं प्रश्न हमारे पास। तो प्रश्न ले लीजिए, क्योंकि अगर जी पूरा जानना है तो फिर हमको वीडियो बहुत लंबी करनी पड़ेगी, और हाँ फिर ठीक इस है, बुक को ठीक लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। हाँ
हाँ, ये मैं हाँ दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि अभिषेक जी जी की वे पुस्तक आप जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। जी जी, मोहित शाह जी हैं, कुतुब मीनार इज मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजमहल इज सिंबल ऑफ लव, औरंगजेब इज ग्रेट सुल्तान, वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म। हाँ, लेकिन ये हाँ सर, तो मैं एक एक चीज जी बताना चाहूंगा, अगर जी मेरे को अगर किसी दर्शक का क्वेश्चन आया होगा कि जेनेसिस ऑफ टाइम ही नाम क्यों रखा है मैंने इस बुक का। हाँ हाँ बताइए ना, बताइए। हाँ, अब सर जेनेसिस ऑफ टाइम जब आप सर्च करोगे ना, तो एक बाइबल की सबसे पुरानी बाइबल जो बोलते हैं, टोरा जो बोलते हैं, जो ज्यूस पढ़ते हैं, उसका चौथा चैप्टर है जेनेसिस ऑफ टाइम। अच्छा जी हाँ, और जेनेसिस ऑफ टाइम इस बुक का नाम रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस बुक में लिखा है कि जो थे हमारे नबी या फिर अल्लाह जो बोलते, उन्होंने सैंड को उठाया, उसको उन्होंने आवर ग्लास में डाला और बंद कर दिया, तो उसके बाद टाइम का क्रिएशन हो गया जब रेत नीचे गिरने लगी। तो ओह अच्छा इतना टेक्निकल टर्म उसको समझाया गया उससे है और उसका पहले पूरे टाइम नहीं चैप्टर चला। का, हाँ, उसे पूरे चैप्टर का नाम ही उन्होंने रख दिया जेनेसिस ऑफ टाइम, और सिर्फ रेत को उठा के उन्होंने आवर ग्लास में डाल दिया और टाइम का आविष्कार हो गया। ऐसा करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो अब टाइम का रियल आविष्कार कैसे हुआ था, उसके लिए एक बुक ही लिख देते हैं उस चैप्टर के नाम से, जेनेसिस ऑफ टाइम। तो शायद हो सके सर्च करे तो उनको पता चल जाए कि रियल टाइम ऐसे बना था, ना कि रेत से। जी, राघव सोलंकी हैं, साधुवाद अभिषेक, आप जैसे युवक को सुनकर लग रहा है कि भारत भविष्य में फिर से विश्व गुरु होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जी राघव जी, ऐसे यंगस्टर्स चाहिए जो एक लगन के साथ लगे, क्योंकि लगन ही हमारे पूर्वजों का भी जो एक हॉलमार्क था वो यही था। आर एम है जी, नथिंग न्यू, दीज बारबेरियन इन्वेडर्स कुड रीनेम एंड टेक पोजेशन ऑफ अवर मॉन्यूमेंट्स, बट देयर लोली इंटेलेक्ट हैज नो कॉम्प्रहेंशन ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। ठीक बात है। ये भी बात सही है। सर मैं तो ताजमहल पे भी एक बुक लिखने वाला हूँ एक्चुअल में, वो भी एक न्यू फील्ड ऑफ फिजिक्स है। अगर कोई एक अच्छा जानता नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, वो जी भी एक्चुअली में एक न्यू फील्ड ऑफ फिजिक्स है। उसमें भी बहुत सारे मैथमेटिक टर्म्स और बहुत सारे फिजिक्स के लॉज यूज किए गए हैं, जो आप तो जानते ही होंगे, आप फिजिक्स के टीचर है, तो ऑप्टिक्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो मे भी हो सकता है मेरी नेक्स्ट बुक का नाम जेनेसिस ऑफ ऑप्टिक्स हो, जो ताजमहल से रिलेटेड हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज हाँ सर, अब आ रही है। जी? जी ठीक है जी, ओके। ये जो आरएम जी ने बोला ना, ये बात वैसे तो ठीक है, क्योंकि अब पूरे के पूरे अगर आप इस्लाम को देखेंगे तो जी ये एक क्लेम जिहाद, हर चीज पे क्लेम डाल देते हैं। अभी नया क्लेम क्या है कि ओम को ही अल्लाह बना दिया, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं, तो किसी भी चीज हाँ पे बसो मेड बाय इस्लाम की स्टैंप लगाने की कोशिश कर देते हैं, और मक्कारी जितनी मर्जी करवा सकते हैं इनसे। ओके, नेक्स्ट है ज्योतिर्मय दास जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम ज्योतिर्मय जी, गुरु जी गोपाल कृष्ण पाठक पर वीडियो कब बनाओगे? आपने कहा, अच्छा पाठा जी पर आप बनाएंगे, मुझे जाना जानना है कि गोपाल ने व्हाट बंगाली थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो क्यों कहा, क्या बाकी सब बेकार है? जी ज्योतिर्मय जी, करता हूँ, उनके पुण्यतिथि आने वाली है, उस दिन करेंगे हम इस पे, गोपाल पाठा जी पे पूरा एक लाइव करेंगे इस पे। ओके जी, तो ये थे जी आज के हमारे प्रश्न, और मुझे लगता है कि सभी दर्शक आपसे प्रसन्न हैं आपको देखकर, और आपके कार्य की सराहना कर रहे हैं। जी सर अभिषेक जी, सभी दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही लगन से लगे रहें और जी ऐसे सर, आप ऐसी आशीर्वाद बनाए रहिए, जैसे जी आपने भी मदद करी है, आप बता नहीं रहे हैं आप यहाँ पे, पर आपने भी जी बहुत मदद करी है मेरी चीज को लेके। हाँ नहीं, लेकिन काम तो आपने किया है, इसलिए मैं हाँ वो जो जैसे आपका ट्वेंटी फर्स्ट जो 21 जून की जो फोटो है,
जो आपने भेजी थी मेरे को, कुतुब मीनार की शेडो नहीं बनती है, वो तो आप ही ने जी भेजी थी, वो आप नहीं जी भेजते तो हो सकता जी है मेरा काम होता ही नहीं। मेरे को याद भी है 21 जून 2021 की बात है ये, जी आप जी तब जी से मेरे साथ खड़े हुए हैं 2020 से जी ही जी, तो आपका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो आप जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है, अगर आप जैसे लोगों को देख के हम सीखेंगे नहीं तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है करने का, क्योंकि हमको तो सिर्फ पढ़ाया जाता है ना कि पढ़ो और जॉब पाओ, हमारा ठीक तो बात है जी। इनका कोई मतलब होता ही नहीं है। तो आप हाँ जी जैसे लोग अगर और दो चार मिल जाए तो भारत देश सचमुच में आगे बढ़ जाएगा। बहुत मिलेंगे, मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, आप जैसों को आगे बढ़ना है तो जी जी सर, जी। अच्छा राम अग्रवाल जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत आभार आपका। ज्योतिर्मय दास जी, गोपाल कृष्ण गोपाल गोखले, कृष्ण अच्छा गोखले, गोखले जी ओ पे, ठीक है जी, करते हैं करते हैं, इस पे इन पे भी गोपाल करते हैं। पाठा, आप समझ गए थे हाँ जी। जी चलिए ठीक है जी, जी सर, बहुत साधुवाद, और फिर मिलते हैं, तब तक जी सुरक्षित सर, रहें, भारत माता की जय, वंदे मातरम।